कटे फटे होठ और तालू की जन्मजात विकृति बच्चों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। छोटे बच्चे इस विकृति के कारण न तो ठीक से भोजन कर पाते हैं और वहीं उन्हें समाज में एक अलग नजरिए से भी देखा जाता है। ऐसे ही कई बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियान वरदान साबित हो रहा है। गुना में प्रबंधक RBS के विनीता सोनी इस काम को बखूबी अंजाम देते हुए कई बच्चों को इस योजना का लाभ दिला रही है। हाल ही में एक छोटे बच्चे के कटे फटे हार्ट का ऑपरेशन भी कराया गया है। राजधानी तक न्यूज चैनल से मामले में विनीता सोनी सहित अस्पताल के स्टाफ और बच्चे की माता ने विशेष बात भी की है। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? पिपरौदा खुर्द। ये क्या बच्चे का नाम क्या है? जूली। लड़की है? कितने साल की है अभी? डेढ़ साल की। तो कैसी, जब जन्म हुआ था तब क्या समस्या थी इसको? जिसका होंठ कटा आया था, दूध नहीं पी पाती सही से। हाँ हाँ। खाना वैसे भी डालते चम्मच से इतने इतने कट रहा था। तो आपको किसने बताया यहाँ सरकारी में इसका निशुल्क इलाज हो जाएगा? आंगनबाड़ी में मैडम ने सुई किया था। तो मैडम ने सुई किया था। अच्छा, तो जैसे ये आज जो यहाँ सरकारी में आप आए, विनीता मैडम और ये जो भैया एक और मिले, तो इन्होंने पूरी मदद की आपकी? हाँ, पूरी मदद की। आप प्रसन्न हैं? आप बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होती? अच्छा, तो आप आगे क्या कहना चाहती हैं और ऐसे जो बच्चे हैं जो माता पिता कोई परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? क्या सरकारी में सही सुविधाएं हैं और कोई पैसा वगैरह तो नहीं लगता आपको? नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। कलेक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहती हैं? कलेक्टर साहब ने भी खूब मदद की। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंचल सिंह ठाकुर है, मैं लाहौदी हॉस्पिटल भोपाल से हूँ। जी, ये बच्ची का जूली का जो ऑपरेशन हमारे लाहौदी हॉस्पिटल में ही हुआ था। ये जो बच्ची का होंठ इस तरीके से कटा हुआ था, अब ये ऑपरेशन के बाद इस तरीके से दिख रही है, वो आपके सामने है बच्ची ऑपरेशन के बाद। तो इससे क्या क्या परेशानियां रहती हैं सर? ये परेशानी आती है कि जैसे बच्चा घर के अंदर पैदा होता है तो घर वाले या पड़ोस वाले देखते हैं कि ये बच्चे का चेहरा किस तरीके से गंदा सा दिख रहा है, साफ सुथरा नहीं दिखता है, तो घृणा की निगाह से देखते हैं। अगर बच्चे का अगर ऑपरेशन अपन बड़े तीन चार पांच साल की उम्र तक नहीं कराते हैं तो स्कूल भेजते हैं जहाँ मोहल्ले में, तो बच्चे लोग एक दूसरे को देख कर डरते भी हैं कि मतलब दांत धार आ रहे हैं बच्चे के, पूरा कटा हुआ है। अगर बन जाता है बच्चे का होल्ड तो अच्छी तरीके से बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ और रिश्तेदारी में ले जाते हैं तो भी उन लोगों को अच्छा लगता है। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विनीता सोनी है और मैं जिला सी के सचिव प्रबंधक। अच्छा, तो क्या मामला है मैम आज आपके पास? ये जूली नाम का बच्चा है, क्लेफ्ट लिप पैलेट का, इसको हमने 5 महीने पहले यहाँ पर इलस्ट्रेट किया, लेकिन बच्चे का वजन कम होने के कारण उस टाइम पर इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था। जी, जी। इसके बाद जब बच्चा फिट हुआ, उसका वजन बढ़ा, तो इसके बाद इसका ऑपरेशन लाहौटी हॉस्पिटल भोपाल में कराया गया। आज बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ। अच्छा, तो ये क्या किस योजना के तहत हुआ है? ये RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। इसमें कलेक्टर साहब का विशेष योगदान रहा है। कलेक्टर साहब ने भी इसको बच्चे को वहाँ से मेन तौर पर इसको सही करने के लिए वहाँ से एक आवेदन भेजा पाया। कटे फटे होंठ का जो ऑपरेशन है ये प्राइवेट में कितने तक होता है? ये कटे फटे होंठ का ऑपरेशन लगभग 50 से 60 हजार रुपए में होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, तो अब ये जो आपने अपने सरकारी योजना में करवाया है। चलो, ठीक है, धन्यवाद।